विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलहा हलके के सबडूल खडहूल दैन और डेई में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर 18 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का निशुल्क टीकाकरण और दिवाली तक देश के निर्धन लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार का सराहनीय फैसला है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन सरकार की प्राथमिकता है। 18 से 44 वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब किसी प्रकार के स्लॉट बुक करवाने की जरूरत नहीं है, स्लॉट पर ही बुकिंग से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुलह हलके में 22 स्थानों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है और वे स्वयं टीकाकरण केंद्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने टीकाकरण अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हर आयु वर्ग में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल में चिकित्सकों, नर्सेज, सफाई कर्मचारियों और आशा वर्कर्स ने बहुत सराहनीय सेवाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर आशा वर्कर्स को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक इस राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और संदेश में ये कहा था कि मैं अपने देश के 18 साल से लेकर के 44 साल के लोगों का 21 तारीख अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर टीकाकरण वैक्सीनेशन शुरू करूंगा। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के और उसी उपलक्ष्य में आज मैं हेल्थ सब सेंटर सपड़ुल जो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत का दर्जा दिया है यहां पर उन लोगों से मैं मिला हूं जिनको आज वैक्सीनेट किया जा रहा है, जिनका आज टीकाकरण हो रहा है। लोगों में बहुत खुशी है, उल्लास है, हर्ष है कि हमारे घर गांव में आकर के स्वास्थ्य विभाग हमें टीकाकरण कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। तारीख में आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में 22 स्थानों पर ये टीकाकरण हो रहा है, 22 स्थानों पर 18 और 44 साल के बीच के लोगों का, चाहे वो हमारे बहन है, चाहे हमारे भाई है, और वीर शुक्र और शनि 44 साल से लेकर के ऊपर की उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में हिंदुस्तान जो है वो हर व्यक्ति को टीका लग जाएगा और इस वैक्सीनेशन के माध्यम से, कोविशील्ड के माध्यम से हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। पर एक मूल मंत्र संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो क्या है कि हम वैक्सीनेट टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाना ना भूलें, हम कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के बात करें, और तीसरा ये कहा है कि हम हाथों को बार बार धोने का काम करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हम कोरोना से वंचित रह सकते हैं। इस संदेश का पालना हमें करनी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद एक लहर कोरोना की ओर आ सकती है, इसलिए अगर आज की तारीख में कोरोना थमा है तो हम बिल्कुल ये ना मान लें कि हम सुरक्षित हैं, हम परहेज रखें। जो मूल सूत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है मास्क लगाने का, उसको लगा करके रखें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों में कोविशील्ड मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल बनाए हैं, वहां पर ऑक्सीजन वैक्सीनेटर रखे गए हैं, वहां पर अगर कोरोना ग्रसित लोग ऑक्सीजन वैक्सीनेटर रखे गए हैं, वहां पर अगर कोरोना ग्रसित लोग पहुंचते हैं तो उनका उपचार शुरू हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अस्पतालों में भेजी जा रही हैं, 5000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड बेड जो है वो तैयार किए गए हैं, सरकार की ओर से पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पर एक ही बात कहना चाहता हूं
इलाज अपनी जगह है और अपनी कुछ बातों का परहेज हमारे ऊपर निर्भर करता है, उसकी पालना हम अवश्य करें, यही मैं कहना चाहता हूं। यहां वैक्सीनेशन सेंटर सपडूल में, इससे पहले मैं खडूल में गया था, अब मैं थोड़ी देर के बाद दहन में जाने वाला हूं, इसीलिए जाने वाला हूं कि आज जिन लोगों के मनों में कुछ संशय थे कि हमारा स्लॉट बुक होगा नहीं होगा, अब तो हेल्थ सब सेंटर पर लोग आ रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं और दो मिनट के बाद इंजेक्शन लगवा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण ही संभव हो पाया है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जब देश के नाम संदेश दिया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं इस देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री आने वाले दीपावली तक दूंगा, हम उनका भी इसके लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं। इलाके की जनता को बधाई कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में अगर 15 पंचायतें बनी तो उसमें एक सपड़ूल पंचायत भी बनी, अब विकास के नए आयाम यहां पर लिखे जाएंगे। शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। नई पंचायत बनी है, वो निसंदेह लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे, निरंतर काम में जुटे रहेंगे। धन्यवाद।